Hello guys, this is Kartikey Pandey from IIT BHU and you are watching new online coaching. Guys, आज अपन बहुत ही एक important बात पे discussion करने वाले हैं and that is, do college name matters? कहने का मतलब क्या college का नाम matter करता है? या कहने का मतलब सीधे सीधे मैं मुद्दे पे आऊँ तो मैं सीधे ये बोलूँगा कि क्या IIT के बाद ही आपको अच्छी life मिलेगी? तो देखिए, ये सब जानने से पहले अपन को दो चीजों के बीच में difference पता होना चाहिए. जॉब पाना और अच्छी लाइफ पाना दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं. कहने का मतलब दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स में हैं. जॉब पाना का मतलब ये होता है कि आप जॉब ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या पैशन था या सिंपल सी बात है आपका क्या इंटरेस्ट था. आप इन सब चीजों को बिना ध्यान दिए हुए आप किसके पीछे भाग रहे हैं? सीधे जॉब के पीछे भाग रहे हैं. आपको बस नेम चाहिए, फेम चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है ना. वहीं पर बात करें अच्छी लाइफ की, तो अच्छी लाइफ का मतलब यह कि आप कहीं से भी जाएं, आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, आप अपनी चीजों के हिसाब से चलें, जो आपको अच्छा लगता है वही करें और एट द एंड ऑफ डे आपको सेटिस्फैक्शन हो. कहने का मतलब आपको यह हो कि दुनिया से मुझे मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता है, मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूं, मुझे जहां होना चाहिए था मैं वहां हूं. इज इट क्लियर गाइस? तो जब ये कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो दैट इज अच्छी लाइफ वाला कॉन्सेप्ट. तो ये देखिए, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, IITs, NITs और बिट्स पिलाने जैसे कॉलेज का नाम मैटर करता है. क्योंकि जब कंपनीज जाती है रिक्रूटमेंट के लिए या जॉब ऑफर करने के लिए, तो उनके पहले सबसे पहला ऑप्शन होता है कि सबसे अच्छे कॉलेज में चला जाए जहां पे हमें डिजर्विंग बंदे मिल सके. तो वो डिजर्विंग बंदे मेनली कहां मिलते हैं? वो IITs में मिलते हैं, NITs में मिलते हैं या बिट्स पिलाने जैसे कॉलेज मिले हैं. क्यों? क्योंकि वो ढेर सारे लाखों कंपटीटर्स को फाइट कर करके और लास्ट में पहुंच पाते हैं ऐसे कॉलेज में, जो कि बताता है कि वो कहीं ना कहीं एक डिजर्विंग बंदा है. इज इट क्लियर? जिसकी वजह से कहीं ना कहीं IITs और NITs के जो प्लेसमेंट्स होते हैं या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं वो जनरल दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस से अच्छे होते हैं. इज इट क्लियर? लेकिन लेकिन बहुत बड़ा वाला लेकिन, लेकिन ये कि नेसेसरी नहीं है कि आप यदि IIT या NIT से नहीं है तो आप अच्छी लाइफ नहीं जी सकते. हो सकता है कि आपको नेम फेम ये सारी चीजें पाने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट आप भी वहां तक पहुंचेंगे 101% यदि आप हार्ड वर्क रेगुलरली कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे स्कूल से GNB सतना से एक आदर्श मिश्रा भैया निकले. उन्होंने 10th में 94% मारा, 12th में भी 91 के प्रोक्स आए, 89 आए. फिर उसके बाद उन्होंने IIT का पेपर दिया और JEE मेंस का पेपर दिया, सॉरी AIIPL का पेपर दिया. उस टाइम पे AIIPL चल रहा था, दोनों में वो शायद तक सेलेक्ट नहीं हुए थे आई थिंक सो, या सेलेक्ट हुए तो रैंक खराब होने की वजह से उन्हें नहीं मिला. तो उन्होंने MPPET, उस टाइम पे MPPET होता था मध्य प्रदेश में, उन्होंने उसके थ्रू कौन सा कॉलेज ले लिया, उन्होंने उसके थ्रू ले लिया SGS IDS. और SGS IDS से वो पढ़ने के बाद उन्होंने IAS का पेपर दिया और IAS में 15th रैंक पाए और अभी उन्होंने उनको राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला. क्या वो किसी IIT से थे? नो, नॉट एट ऑल. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि IIT से आप नेसेसरी, यदि आप IIT से या NIT से नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में. फिर मैंने देखा कि मेरे दूसरे दोस्त यार, एक मेरा जूनियर था पवन कुमार करके, अभी मैं उसको देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस धीरे धीरे लगा रहा, धीरे धीरे लगा रहा, किसी को नहीं पता चला पहले, कोई उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया इनिशियली. उसके बाद धीरे धीरे करके वो मेहनत करता रहा, करता रहा, करता रहा. एक दिन मैंने उसका इंटरव्यू देखा, वो NDA क्वालिफाई कर चुका है. क्या वो NIT से? नो, नॉट एट ऑल. मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यदि आप IIT या NIT से नहीं है तो इसका मतलब कतई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको अच्छी लाइफ नहीं मिल सकती. आपको तब भी अच्छी लाइफ मिल सकती है, ये बात याद रखिएगा. क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में मात्र एक अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली, लाखों मिलने वाली है. बस आपको पता होना चाहिए कि बिना डीमोटिवेट हुए उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है. जैसे कि मुझे भी यार, पहले मेरा दक्षिणा फाउंडेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा सुपर 30 में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अभी IIT में आ गया. तो मैं यदि पहले ही जब अपॉर्चुनिटी में ग्रैब नहीं कर पाया तो मैं यदि उससे डीमोटिवेट हो जाता तो मैं आज आगे नहीं आ पाता. यदि मैं ये सोच लेता कि दक्षिणा फाउंडेशन के पास लाइफ नहीं है तो मैं नहीं आ पाता, बट नाउ आई एम हियर. सो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये मैटर मत करिए कि मैं यदि किसी नीचे के कॉलेज से रहूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे कि लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन होता है कि IIT ही लेनी चाहिए, NIT नहीं लेनी चाहिए, चाहे NIT में कोई ब्रांच मिले लेकिन IIT की ब्रांच मैटर करती है, IIT मैटर करता है.
तो देखो यार, आईआईटी ले लोगे शुरुआत के 1 महीने 2 महीने भौंका लोगा कि मैं आईआईटियन हूँ, 1.5 महीने 2 महीने, लेकिन जब आपके सेमेस्टर लगाना स्टार्ट करेंगे ना, जब आपके सेमेस्टर में लगना स्टार्ट होगी बैक, तब आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब मैं सीधे सीधे वर्डों बोलूंगा, तो जिसमें इंटरेस्ट हो वो करो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जब आईआईटी से होगे तभी आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, या सीधे बोलूँ तो बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, या शर्मा जी आपको कुछ बोलेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा कुछ भी कर रहा हो, आप अपने मन से करना, जो पसंद हो वो करना। और सबसे बड़ी बात ये कि यदि आपको आईआईटी या एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप खराब हैं या आप कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बस आपका टाइम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 55 की एज में अपना कैरियर स्टार्ट किया है, और ओबामा 45 की एज में रिटायर हो गए हैं। लेकिन है तो दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति, एक पूर्व राष्ट्रपति हैं और एक अभी के राष्ट्रपति हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने सेम वैल्यू एक्वायर कर ली, एक ने पहले करी एक ने बाद में करी। सो इसीलिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप जब अच्छे कॉलेज से होंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। यदि अच्छे कॉलेज से होंगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को करने में, लेकिन यदि आप मान लीजिए थोड़ा लो लेवल कॉलेज से हैं जिसका नाम बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी आप बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। बस आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहना होगा बिना रुके हुए। इज इट क्लियर गाइस? सो अपने माइंड से मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए कि आईआईटी और एनआईटी के बाद कोई लाइफ नहीं होती है, या इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट आईआईटी एनआईटी है। यार आप कहीं भी रहो, आप खुद को बेस्ट बना सकते हो, बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए काम करने की, और एक क्षमता होनी चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? सो लास्ट में यही बोलूंगा कि किसी दूसरे को देखने के बजाय खुद को देखिए, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए, और अपने फादर और मदर को समझाइए, अपने फ्रेंड्स को समझाइए कि पापा मैं क्या कर सकता हूँ। इज इट क्लियर गाइज? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और हाँ, मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और यदि आप चाह रहे हैं कि आपके डाउट्स हम ऐसे ही क्लियर करते रहे, आपको एजुकेशनल लेक्चर्स मिलते रहे, मोटिवेशनल लेक्चर्स मिलते रहे, और साथ में आपको मिलते रहे क्लासरूम लेक्चर्स फॉर योर प्रिपरेशंस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ बने रहे। और हाँ गाइस, हमने अपने पेज का भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाइए और पेज को लाइक करिए, जिससे कि आने वाले कोई भी, यदि हम कोई भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंच सके। सो कीप वॉचिंग अस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।